तो क्या चल सत श्रीकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव के बारे में। तो एल्विश यादव के साथ एक सीरियस प्रॉब्लम हो गया है। जहां गाइस इस प्रॉब्लम के बारे में बात करते हुए पहले कल वो ये ट्वीट किए जहां पर बेसिकली वो बताया कि उनके व्लॉगिंग चैनल में पहले फर्स्ट घंटे में वीडियोस जब अपलोड होते हैं उसमें 1.2 मिलियन व्यूज आ जाते हैं, बट ड्यू टू सम अननोन ग्लिच वो व्यूज स्टक हो जाता है फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। एंड ऐसा एक दो बार नहीं, लास्ट दो हफ्ते से उनके चैनल पर हो रहा है। उनका यूट्यूब के साथ ये बहुत ही खराब एंड वियर्ड एक्सपीरियंस हो रहा है। एंड इनिशियली जब उनके साथ ये हुआ था वो सोचे थे कि कुछ टेक्निकल ग्लिच वगैरह होगा, फिक्स हो जाएगा, बट ये एक ट्रेंड बन गया है। सेम चीज बार बार हो रहा है। एंड खाली यूट्यूब ही नहीं, उनके इंस्टाग्राम में भी कुछ ग्लिच वगैरह चल रहा है। इसके बारे में बात करते हुए वो अपने लेटेस्ट व्लॉग में ये कहे, भाई मेरे यूट्यूब में चल रहा है ग्लिच, मेरे इंस्टाग्राम में चल रहा है ग्लिच, ग्लिच या फिर पीछे से नहीं पता कौन क्या सिस्टम हैंग कर रहा, मेरा ही हैंग कर रहा साला, हैंग कर देंगे जो कर रहा साला, बता दिए भाई। एक घंटे में 1.2 मिलियन व्यूज हो जाए रोज, उसके बाद 10 घंटे तक उतनी रहे, कोई बात नहीं, जो भी कर रहा भाई गलत कर रहा, अगर तुम यूट्यूब टीम से ठीक करो, अगर मेरे हाथ चढ़े गलत होएगा फिर ढूंढ लूंगा तुम्हें मैं, एक दो दिन में ना ढूंढ ले जाओगे जो भी है। और इंस्टाग्राम पे पता ना क्या ग्लिच चल रहा है यार, साला पागल हो रहा हूँ मैं तो यार। Also talking about एल्विश यादव, तो क्या उनका इनकम रिवील हो गया है? जी हाँ, उनके लेटेस्ट व्लॉग से आप ये वाला क्लिप देख लो। हमारी में हम सोच रहे हैं कि यॉट खरीद लें, कितने का आता है मल्होत्रा जी? 50 करोड़। ओह माय गॉड भाई, कोई खरीदेगा? 4000 करोड़ का जो प्लान है उसमें है ये, उसमें तो नहीं था ये। डाल लो से। से देखते 6 महीने कमाई है। भाई सच्चाई बता दे, सीए ने सच्चाई बता दी, इनकम रिवील बता देना। जस्ट किडिंग, ही इज किडिंग भाई। इनमें से कोई सबसे छोटे वाला होगा ना वो खरीद लेंगे, जो कोई 50 लाख का। चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले थगेश के बारे में। तो थगेश एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के ऊपर बात की है। यहाँ गाइस बेसिकली वो कल पोस्ट करके बताया कि उनका थगेश एपिसोड 8 आने वाला है, बट आफ्टर दिस वो अपने स्टोरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सीरियस चीज शेयर करके बताया कि लास्ट 2 मंथ्स उनके लिए बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टिंग रहा है मेंटली एंड फिजिकली, क्योंकि उनके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। एंड हर पर्सन का एक लिमिट होता है, ही थिंक्स कि उनका लिमिट रीच हो चुका है। वो कुछ कंप्लेन वगैरह नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए ये सब बता रहे हैं क्योंकि इसके वजह से उनका कम अपलोड्स आएगा इन द कमिंग डेज। वो थगेश शो को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बट ऐसा हाई क्वालिटी कंटेंट को प्रोड्यूस करना बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। हर एपिसोड को बनाने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं। उसके साथ साथ वो अपने मेन चैनल में 5 से 6 वीडियोस अपलोड करते हैं, अनफिल्टर्ड चैनल में 6 से 8 वीडियोस, शॉर्ट्स में 10 से 15 वीडियोस और भाई 5 से 8 रील्स भी अपलोड करते हैं वो मंथली। मतलब कि भाई इतने सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो एक साथ काम कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यार मेंटली थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो ही जाएगा आदमी। वो बताया कि लास्ट 3-4 साल से वो एक भी ब्रेक वगैरह नहीं लिए प्रॉपर। इंडिया वो थगेश शो के इस सीजन को 9 या 10 एपिसोड्स के अंदर खत्म कर देंगे। बट यहाँ चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले कैरी मिनाटी के बारे में। तो कैरी मिनाटी का न्यू वीडियो कब आने वाला है, इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने ये कहा, नेक्स्ट आ रही है भाई, 2 दिन में आ जाएगी, करीबन 2-3 दिन, 2-3 दिन में ही आ जाएगी वीडियो। कल मुझे बस थोड़े से चेंजेस करने हैं। ऑल्सो कैरी मिनाटी रीजन बताया कि वो दूसरे के चैनल्स को क्यों नहीं प्रमोट करते हैं। जहाँ गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि उनको बहुत सारे सुपर चैट्स वगैरह आते हैं कि भाई मेरा चैनल प्रमोट कर दो, बट वो कभी करते नहीं है। इसका रीजन वो बताए हुए हैं, बट एक और बार आप सुन लो। भाई आप किसी की प्रमोशन क्यों नहीं करते? लव यू भाई। प्रमोशन हम इसलिए नहीं करते क्योंकि फिर जो उसके चैनल पे लोग जाते हैं वो एक बार के लिए जाते हैं, फिर वापस नहीं आते हैं, उनका चैनल डेड हो जाता है, उसमें क्या फायदा है। तो चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले हैं एप्पल लॉन्च इवेंट के बारे में। तो गाइस कल फाइनली आईफोन 15 लॉन्च हो गया भाई, एंड द किडनी मीम्स विल बी बैक सून। बट यह चलिए कुछ मेजर चेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, आईफोन में USB-C टाइप का चार्जर यूज होगा, और भाई उतना ज्यादा डिटेल मेरे को नहीं पता है, उसके लिए टेक चैनल्स है, सब काम मैं ही करूँ क्या? बट मैक्सिमम लोग बोल रहे भाई ऐसा ही कुछ सीन है। चलिए बट स्टिल मैं आप लोग को प्राइसिंग दिखा देता हूँ। आईफोन 15 जो एकदम बेस मॉडल है वो आएगा 80,000 में, और बाकी आईफोन 15 प्लस, 15 प्रो, 15 प्रो मैक्स, सारा प्राइसेस आप पॉज करके रीड कर सकते हो। तो क्या आप आईफोन 15 खरीदने वाले हो, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले नाना पाटेकर के बारे में। तो नाना पाटेकर न्यू वेलकम मूवी में नहीं होने वाला है, एंड इस चीज के बारे में वो बात की है। जहां गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा कि अनिल कपूर एंड नाना पाटेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ द वेलकम फ्रेंचाइजी, बट वो वेलकम के न्यू मूवी में नहीं होने वाले हैं। तो रिसेंटली जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे द वैक्सीन वॉर का, इफ यू डोंट नो विवेक अग्निहोत्री का नया मूवी आने वाला है एंड उसमें ये भी है, वहां पर जब उनसे
वेलकम 3 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, तब उन्होंने जवाब दिया, शायद उनको लगता है कि हम बहुत पुराने हो गए। फिर वो विवेक अग्निहोत्री की तरफ पॉइंट करके बोले, इनको लगता है मैं उतना पुराना नहीं हुआ हूं, तो ये अपने फिल्म में मेरे को काम दिए, इट्स दैट सिंपल। बटिया, चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले हैं जवान मूवी के बारे में। तो एक यूके के थिएटर में जवान मूवी को लेकर एक सीन हो गया, जहां गाइस बेसिकली एक वीडियो वायरल जा रहा है जहां पर यह बताया गया है कि जवान मूवी का क्लाइमैक्स ही पहले प्ले कर दिए थे थिएटर वाले। जी हां, मतलब स्टार्टिंग से मूवी स्टार्ट नहीं हुआ था, सेकंड हाफ को वो पहले प्ले कर दिए थे। एंड इसके वजह से लोग ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए, एंड उनको टिकट्स का रिफंड तो मिला ही, ऊपर से कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स भी मिला फॉर अ फ्रेश शो। बट यार, टॉकिंग अबाउट जवान, तो चलिए इसके 6 दिन के कलेक्शंस को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल खाली हिंदी नेट कलेक्शंस कितने हुए जान लेते हैं। तो हिंदी कलेक्शंस इसके ऑलरेडी 306 करोड़ प्लस हो चुके हैं। एंड वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन के बारे में बात कर लिया जाए तो 6 दिन में 600 करोड़ प्लस उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया है। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले एक अनबिलीवेबल चैट जीपीटी स्टोरी के बारे में। सो गाइस, एक यूएस की मदर क्लेम की वो 17 डॉक्टर्स के पास गई थी, बट उनको स्टिल अपने बेटे के प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता चला। लेकिन जैसे वो चैट जीपीटी में लिख के बताया कि ये प्रॉब्लम्स है, प्लीज बताओ कि मेरे बेटे को क्या हुआ है, तो चैट जीपीटी ने सजेस्ट किया कि उनके बेटे का कोई एक रेयर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो सकता है। जब उन्होंने वो कंडीशन का चेकअप करवाया, वही कंडीशन निकला। भाई साहब, चैट जीपीटी तो नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है यार। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले एआर रहमान कॉन्सर्ट कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में। सो गाइस, 10 सितंबर को एआर रहमान का चेन्नई में एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हुआ था, जिसमें कि भाई बहुत बड़ा कांड हो गया। लिटरली गाइस, जो भी ये ऑर्गेनाइजर्स इस इवेंट को मैनेज कर रहे थे, बहुत ही मिसमैनेजमेंट हुआ, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि वेन्यू में 20,000 से 25,000 लोगों के सीट्स थे, बट अप्रोक्सीमेटली 50,000 लोग वो वेन्यू में आ गए, जिसकी वजह से ऑफकोर्स स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन हो गया, बहुत ही ओवर क्राउडेड सीन हो गया। नॉट ओनली दिस, बहुत सारे वुमेन ने एलिगेशन लगाए कि इस कॉन्सर्ट के दौरान उनको फिजिकली हरास भी किया गया। अब पुलिस ने बताया कि कोई भी ऐसा ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं आया इसके रिगार्डिंग, बट ऐसे बहुत सारे एलिगेशन आ रहे हैं। फिर बताया गया कि कुछ वीआईपी टिकट्स बेचे गए थे 50,000 में, बट कोई वीआईपी जोन था ही नहीं। तो जैसे ही एआर रहमान को पता चला कि इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट हो गया ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से, वो एक स्टेटमेंट दिए कि ही इज टेरिबली डिस्टर्ब्ड बाय लिसनिंग टू दिस, क्योंकि सेफ्टी उनके लिए सबसे प्राइमरी इश्यू है। फिर उन्होंने ट्वीट करके भी बताया कि जो लोग भी टिकट्स खरीदे थे बट स्टिल कॉन्सर्ट में एंटर नहीं कर पाए थे, प्लीज हम लोग को मेल करके बता दो, तो प्रोबेबली उनको रिफंड वगैरह मिल जाएगा। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी एक और वीडियो शेयर किए कि एक स्कूल में उनके वीडियो के थ्रू स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा था, आप क्लिप में देख सकते हो। वैसे तो उसके पीछे कई कारण थे, लेकिन सबसे बड़ा कारण था 1973 की ऑयल क्राइसिस। ये क्राइसिस तब शुरू हुई जब अरब देशों ने ऑयल पर एक एम्बार्गो लगाया, उन देशों को तेल बेचना बंद कर दिया जो इजराइल के सपोर्ट में, मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज थी जैसे कि अमेरिका और यूरोप। सो यहाँ चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइकली टॉपिक्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स, देन टेक ब्रो ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, देन गेट सेट फ्लाई साइंस ने कंप्लीट कर चुके हैं 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स, देन क्यूलिश टेक को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन, एंड फाइनली थंडर गेमिंग आर को मिल चुका उनका गोल्डन प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो क्या मिस्टर बीस्ट इलॉन मस्क से फाइनली मिले? या गाइस, बेसिकली वो ट्वीट करके एक फनी इंसिडेंट बताया कि वो कहीं पे गए हुए थे, एंड एक आदमी दूर से इलॉन मस्क टाइप दिख रहा था। जैसे जैसे वो क्लोज गए, उनको रियलाइजेशन हिट हुआ कि ये इलॉन मस्क नहीं है, बट उनको ये सेल्फी खिंचाना ही पड़ा, क्योंकि अगर वो मना कर देते तो थोड़ा सा रूड लगता। तो या तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते रहे इस वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।